खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NHICS MPPSC में। हम लोग देख रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स से संबंधित टॉपिक के 100 वन लाइनर फैक्ट। इस श्रृंखला में हम जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स के, जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स के 100 वन लाइनर फैक्ट देखने का प्रयास करते हैं। इस श्रृंखला में आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 7, जो कि विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित है। यह जो पेपर अपनी यूनिट नंबर जो ज्योग्राफी की है, भारत का भूगोल जो है ना, वहाँ पे यूनिट नंबर 3 जो है उसके समानांतर चलती जाएगी। तो एक वीडियो उसका रहेगा, भारत के भूगोल का, और दूसरा वीडियो रहेगा यूनिट 7 का। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को लेके आएंगे, और संबंधित जो PDF है वह सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा प्रेरित की गई है। उसके लिए सिविल सर्विसेज क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सुविधा के लिए इसे हम ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के अपने यूनिट नंबर 7 के पहले टॉपिक को। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भौतिकी व रसायन। ये दो टॉपिक आज हम यहाँ पे करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 का टॉपिक नंबर 1। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब उम्मीद होती है कुछ अच्छा करने की। तो आप निरंतर रूप से हमें प्रोत्साहित करते चलें, हमारी उम्मीद को कायम रखें। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10^16 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने हेतु वस्तु को कितने कोण से फेंकना होता है। तो इसे वस्तु को 90 डिग्री के कोण से फेंकना होता है मैक्सिमम ऊंचाई के लिए, और मैक्सिमम परास के लिए 45 डिग्री से उस वस्तु को फेंकना होता है। जैसे यदि हम ऐसी बात करें, किसी वस्तु का 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो सर्वाधिक दूरी तय करेगी। यहाँ से देखिए, ये होता है परास, तो इसके लिए कितना चाहिए, 45 डिग्री। और हाइट प्राप्त करनी है तो आपको 90 डिग्री पर फेंकना होगा। अगला प्रश्न, न्यूटन द्वारा गति नियमों का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया था 1687 में, प्रिंसिपिया नामक बुक में किया गया था। अगला प्रश्न है, समय के साथ वेग घटने की दर क्या कहलाती है। तो समय के साथ वेग घटने की दर है वो कहलाती है मंदन, और इसे ही हम ऋणात्मक त्वरण के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से गुरुत्व जनित त्वरण में क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुरुत्व जनित जो त्वरण जी होता है उसका मान कम होता है हमेशा, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की किस घटना के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। तो जो अपवर्तन का जो गुण होता है ध्वनि में, उसके द्वारा ध्वनि दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक सुनाई देती है। अगला प्रश्न कहता है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की किस स्थिति में वेग सर्वाधिक होता है। तो जो मध्यमान गति होती है वहां पर कण का वेग सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगें किस कण से बनी होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो बनी होती हैं वह फोटॉन कण से बनी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले किस बल के कारण होती है। तो इस बल का नाम होता है ससंजक बल। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है। तो इसे हम GM मूलर काउंटर कहते हैं, GM काउंटर, या इसे ही गाइगर मूलर काउंटर भी कहा जाता है। जल में घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है। तो जल का पृष्ठ तनाव कम होगा। वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वेंचुरी मीटर संबंधित है बर्नौली की प्रमेय पर। सूर्यताप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो सूर्यताप मापने हेतु पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग किया जाता है, और अधिक तापमान के लिए पायरोमीटर का भी हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वह किस रंग की दिखाई देती है। तो वह सफेद रंग की दिखाई देती है जब कोई वस्तु सभी रंगों को परिवर्तित कर देती है। विद्युत फ्यूज बनाने हेतु किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत फ्यूज बनाने हेतु SN और PV है ना, इसे आप ध्यान देंगे, SN PV आप याद कर लीजिएगा, SP बल्कि याद करिए आप, है ना, SP आप ध्यान करिएगा, विद्युत फ्यूज बनाने के लिए हम इसे याद करते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोफोन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है माइक्रोफोन।
ऐसा ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय तथा जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्यूरी ताप होता है जिसका मान 770 डिग्री होता है, वो उसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और उसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। अगला प्रश्न कहता है कि परमाणु बम का विकास ओपेनहाइमर द्वारा किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया? तो यह प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ओपेनहाइमर के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न, आइंस्टाइन द्वारा द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच स्थापित किए गए संबंध को किस नाम से जाना जाता है? जिसे कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, और इसके अनुसार E=mc² होता है। अगला प्रश्न, वायु दाब को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हम बैरोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। हाल ही में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराई गई, इस हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो इसके लिए क्लाउड सीडिंग नामक व्यवस्था की गई थी। WHO के अनुसार कितने डेसीबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? तो लगभग 45 डेसीबल की जो ध्वनि होती है वह मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण समान तीव्रता व तारत्व वाली ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है? तो इसे कहते हैं गुणता। गुणता के कारण ध्वनि में समान तीव्रता और तारत्व वाली ध्वनि में भी हम अंतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अपसारी दर्पण किस दर्पण का अन्य नाम है? तो अपसारी दर्पण नाम है उत्तल दर्पण का। विश्व केवल सौर मंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सौर मंडल स्वयं आकाश गंगा नामक तारा निकाय का अंश मात्र है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है वैज्ञानिक हर्शल का, हर्शल के द्वारा ये कहा गया था। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबल पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें रमन इफेक्ट के लिए नोबल पुरस्कार मिला था 1930 में। साइक्लोट्रॉन की सहायता से किसे त्वरित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें जो कण ऋण आवेशित और उदासीन कणों से युक्त होते हैं उन्हें हम त्वरित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? स्नेल का नियम प्रकाश की अपवर्तन घटना से संबंधित है, यह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है? तो यह है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है, और निकट में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, ओस जिसे हम ड्यू बोलते हैं, इसके निर्माण हेतु कितने प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए? तो आपेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो लगभग 100% आपेक्षिक आर्द्रता होने पर ही ओस या ड्यू का निर्माण होता है। और आपेक्षिक आर्द्रता हम लोग मापते किससे हैं? तो ये मापते हैं हम हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से। अगला प्रश्न है, भौतिकी 2023 नोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भौतिकी 2023 के नोबल पुरस्कार किसे दिए गए हैं ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके हमें बताएंगे। किस उपकरण के द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है? तो वायु की गति का मापन एनीमोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा। श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो श्यानता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था को BEC बोलते हैं, अर्थात बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और चौथी अवस्था को प्लाज्मा बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है, क्वथनांक कम होने पर वाष्पन की क्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? तो वाष्पन की गति में वृद्धि हो जाती है, यह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, खाकरण विधि का उपयोग किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो अकार्बनिक ठोस मिश्रण, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग करने के लिए खाकरण विधि का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, श्रोडिंगर को किस खोज के लिए 1933 में भौतिकी का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो श्रोडिंगर महोदय को क्वांटम यांत्रिकी के मूल समीकरण खोजने के लिए 1933 में भौतिकी का नोबल दिया गया था। फिर है, समस्थानिकों में किन कणों की संख्या में परिवर्तन होता है? जो समस्थानिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। ल्यूकीमिया के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो ल्यूकीमिया जो होता है उसमें फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वह 17 वर्ग जो होता है, 17वां वर्ग जिसे हम हाइड्रोजन वर्ग भी कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि H2SO4 किस प्रकार के बंधक का उदाहरण है? तो यह उपसहसंयोजी बंधक का उदाहरण है H2SO4।
अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, आप याद रखिएगा। म्यूरिएटिक अम्ल के रूप में किसे जानते हैं? हम म्यूरिएटिक अम्ल के रूप में किसे जानते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम म्यूरिएटिक अम्ल के रूप में जानते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में अमाशय में मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसे NaHCO3 से दर्शाते हैं। वर्षा जल का पीएच मान किस बिंदु से कम हो जाने पर होने वाली वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है? तो 5.6 के कम होने पर पीएच मान जो 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होगी? तो इस द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि जल के डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान कितना होता है? तो जल के डाई इलेक्ट्रिक मान का नियतांक होता है 81। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किस प्रकार के कोयले में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पीट कोयले में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, बाई कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो बाई कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन की खोज की थी माइकल फैराडे जी ने। मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा कौन था? तो नायलॉन का जो रेशा था वह पहला रेशा था 1935 में मानव के द्वारा बनाया गया। पेट्रोल का प्रमुख संघटक क्या है? पेट्रोल का प्रमुख संघटक है ऑक्टेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C8H18। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के रसायन संरक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोएट नामक रसायन का प्रयोग करते हैं। LPG में गंध के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक मिलाया जाता है? तो LPG में गंध के लिए एथिल मरकैप्टेन का प्रयोग किया जाता है, जिससे LPG गैस में गंध होती है। पिंच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो पिंच ब्लेड जो है वह यूरेनियम धातु का अयस्क है, यह आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है, कृत्रिम वर्षा कराने हेतु किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए हम क्लाउड सीडिंग की बात सुन चुके हैं अभी, और इसमें सिल्वर आयोडाइड नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को किस अम्ल द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो कार्बोक्सिल अम्ल के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को समाप्त किया जा सकता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल में तांबा और जिंक मिला होता है, 70% तांबा और 30% जिंक। इसे हम याद करते हैं किससे? पिताजी से। पिताजी, पी से क्या हो गया? पीतल, ता से क्या हो गया? तांबा, और जी से क्या हो गया? जिंक, है ना, तो ऐसे आप याद करिएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और अम्लीयता को घटाने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम परमाणु के रूप में किसे जाना जाता है? तो कृत्रिम परमाणु के रूप में जाना जाता है क्वांटम डॉट्स को। क्वांटम डॉट्स को हम कृत्रिम परमाणु के रूप में जानते हैं। स्ट्रेंजर गैस के रूप में किसे जाना जाता है? स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है जीनान गैस को। जीनान गैस, जिसका सांकेतिक रूप होता है XE, और यह शून्य समूह का सदस्य है, जिसे हम नोबेल गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मतदान के समय उंगलियों में लगाई जाने वाली स्याही किस रासायनिक यौगिक से निर्मित होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है AgNO3, उससे वह निर्मित होती है। यह स्टार मार्क है, यह आप कमेंट करके हमें बताएंगे क्या यह उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, हैबर विधि का संबंध किससे है? तो हैबर विधि अमोनिया निर्माण से संबंधित है, हैबर विधि। अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत धातु कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत धातु है टंगस्टन, और सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। अगला प्रश्न, तरंग दैर्ध्य को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य को मापने हेतु एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^-10 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? ओजोन परत की जो मोटाई हम मापते हैं, जैसे व्यक्ति की जो मोटाई होती है, तो किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, कितना मीटर, इतना चौड़ा है ये व्यक्ति। तो ऐसे ओजोन परत जो होती है, उसकी मोटाई हम किससे मापते हैं? उसे मापते हैं हम डाब्सन से। और ये ओजोन परत मिलती कहाँ है? जैसे यह समताप मंडल में मिलती है। वॉशिंग मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो होती है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का गोल होना क्या कारण है? तो गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न कहता है कि ऑटोमोबाइल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑटोमोबाइल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो ब्रेक होता है, वह पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है।
किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? जल घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वातावरण में प्रकाश के प्रकीर्णन का मूल कारण क्या है? तो वातावरण में प्रकाश के प्रकीर्णन का मूल कारण है धूल के कण। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो जल में वायु का जो बुलबुला होता है वह काम करता है अवतल लेंस की भांति। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, यह आप याद रखिएगा। कितने डिग्री तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान समान रहते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की आयन मंडल परत जिम्मेदार होती है। मनुष्य की सभ्यता सीमा कितनी होती है? तो मनुष्य की सभ्यता सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, सामान्य टीवी रिमोट में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो टीवी रिमोट में हम अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका नाम है नाभिकीय संलयन सिद्धांत। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो रेडियोधर्मी जो तत्व है यूरेनियम, उसका अंतिम उत्पाद होता है सीसा, जिसे हम Pb से डिफाइन करते हैं। पृथ्वी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन और दूसरा मिलता है सिलिकॉन। इसको ऐसे याद करिएगा, OCl, है ना, OCl। O से क्या हो गया ऑक्सीजन, C से क्या हो गया सिलिकॉन, और L से क्या हो गया एल्युमिनियम। परमाणु में केंद्रित धनावेशित भाग क्या कहलाता है? तो परमाणु में केंद्रित धनावेशित भाग नाभिक कहलाता है। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीलम का रासायनिक सूत्र आप पूछिएगा नीलम से, तो यह है Al2O3। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम रूबी भी कहते हैं नीलम को, Al2O3 है रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह कैल्शियम का यौगिक होता है, है ना, कैल्शियम मतलब Ca। किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति, H2S गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का मिश्रण कितना होता है? तो भार के अनुसार हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 11.11% होता है। अगला प्रश्न है, भारी जल में रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण प्रक्रिया कहते हैं हम खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने, जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, RO। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि वायुयान के टायरों में किस गैस को भरा जाता है? तो वायुयान के टायरों में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस को। पानी की टंकी को कवकों फंगीज को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? तो पानी की टंकी में फंगीज लग जाती हैं, कवक लग जाते हैं, उनकी हटाने के लिए हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है? तो कार्बन जो है वो सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो C2H3NO, इसे आप ध्यान रखिएगा। मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम है DICLO-DIETHYL SULFIDE। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए उपयोग किए गए फिल्टर पेपर में क्या होता है? जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे होता है, आप ध्यान रखें पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी की आयु के मापन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी के आयु के मापन हेतु हम यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग विधि से हम पृथ्वी की आयु का मापन करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अग्निशमन यंत्रों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो अग्निशमन यंत्रों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रयोग करते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कार इंजन में जो नॉकिंग होती है उससे बचने के लिए हम टेट्राएथिललेड का प्रयोग करते हैं, टेट्राएथिललेड। शक्कर के विपणन में क्या बनता है? तो शक्कर के विपणन में क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है शक्कर के विपणन में। और अंतिम प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, और इसका परमाणु भार कितना है? परमाणु भार है 23। तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 7
के पहले टॉपिक के 100 ऑनलाइन फैक्ट तैयार कर लिए हैं। इसे आप एक से दो बार सुनिएगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।